साथियों जय स्वामी नारायण। कल हमने चित्र को देखकर सही वर्णों पर निशानी करना सीखा था, तो आज कुछ अलग सीखेंगे। पहले आज की डेट देख लेते हैं, 12 जून CW। तो आज हम वर्ण को देखकर सही चित्र पर निशानी कीजिए ये सीखेंगे। तो ये जो टाइटल है उसमें क्या कहना चाहते हैं पता है कि पहले तो आपको वर्ण को देखना होगा, उसके बाद में आपको ऑप्शन दिए होंगे चित्र के, उस चित्र में से आपको जो वर्ण दिखा है ना आपने, उस वर्ण के हिसाब से उसी चित्र पर आपको निशानी करनी होगी। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखा है, अनार का अ लिखा है। तो हमें ऑप्शन में कौन कौन से चित्र मिले हैं, आम का आ है, उनका ओ है, अनार का अ है और इमली का ई है। तो यहाँ पे वर्ण कौन सा है, अनार का अ। तो यहाँ पे अनार का चित्र जहां पर भी है ना उसके ऊपर ही हमें निशानी करनी है। तो चलो देखते हैं, ये रहा अनार का अ, तो उसके ऊपर हमें ऐसे निशानी करनी है। फिर है दूसरा है इमली का ई है, तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन मिले हैं चित्र के, उनका ओ है, इमली का ई है, आम का आ है और ईक का ई है। तो यहाँ पे इमली का ई लिखा है, तो हमें इमली का ई ढूंढना है और उसके ऊपर हमें निशानी ऐसे करनी है। फिर ये है ऊन का ओ, ऑप्शन कौन कौन से है, इमली का ई, आम का आ, अनार का और उनका। तो यहाँ पे उनका ओ लिखा है ना, तो उनका ओ के चित्र के ऊपर ही हमें निशानी करनी है। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको पहले वर्ण को देखना होगा, फिर चित्र को देखना होगा, और जो वर्ण यहाँ पे लिखा है ना उसके चित्र के ऊपर ही हमें निशानी करनी होगी। थैंक यू। आज हम हिंदी में आम का आ सीखेंगे। डेट देख लेते हैं, 1 to 12 June CW। तो ऐसे आपको ट्रेसिंग करना है, बोलते जाना है। आम का धीरे से करना है ताकि डॉट्स पे ही हम लाइन कर सके। फिर से देखो, आ हम का आ, फिर से देखो, आ हम का आ। ऐसे आपको आ हम का हमने ट्रेस किया ना, ऐसे ये पूरा ट्रेसिंग वाला काम खत्म करना है यहाँ तक, और फिर खुद से लिखना है। कैसे लिखना है वो देखो, 3 लिखो। कल बोला था ना बीच में जो छोटी वाली लाइन है ना स्लिपिंग लाइन, पहला कव यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, छोटी सी स्लिपिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन बनाओ, ऊपर छोटी सी स्लिपिंग लाइन। तो ये हो गया आपका आम का। फिर से देखो, 3 लिखो, छोटी सी स्लिपिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन, छोटी सी स्लिपिंग लाइन। ये हो गया आम का आ। ना तो लाइन के ऊपर जाना चाहिए ना तो लाइन के नीचे, अच्छे से लिखना है ना। 3 लिखो, स्लिपिंग लाइन, 2 स्टैंडिंग लाइन, छोटी सी स्लिपिंग लाइन। फिर से देखो, 3 लिखो,
स्लिपिंग लाइन, दो स्टैंडिंग लाइन, छोटी सी स्लिपिंग लाइन, फिर से देखो, थ्री लिखना है, स्लिपिंग लाइन, दो स्टैंडिंग लाइन, पर छोटी सी स्लिपिंग लाइन। तो ये हो गया आपका आम का ऐसे आपको पूरा पेज लिखना है। थैंक यू।